हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैप्शन से और टाइटल से आप समझ गए हैं कि आज मैं एक सॉफ्ट कट क्रीज बनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्राउन कलर लीजिए और उसको आप अपने क्रीज पर प्लेस करना स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कीजिए और कलर जो है आप स्लोली स्लोली लीजिए। एक बार में सारा कलर अगर आप लेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए और फिर उसको हल्का करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कम कम करके कलर लीजिए और उसको बिल्ड कीजिए। आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्टली मैं ब्लेंड कर रही हूँ इसको। और ब्लेंड करने के बाद आप चाहे तो इस तरह से अपने फिंगर की हेल्प से उसे ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि फिंगर की जो गर्माहट होती है उससे आई शेडो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है। अब इसके बाद कोई भी डार्क ब्राउन कलर लीजिए आपके पास जो भी पैलेट है उसमें से, और उसको अपने आउटर वी पर प्लेस करके ब्लेंड करना स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, सॉफ्ट कट क्रीज में जो ब्लेंडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़रा सा भी हार्श लाइन अगर दिखा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो भी सॉफ्ट आई शेडो लुक होता है उसमें हम ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और अब मैं जो आउटर वी है उसको मैं थोड़ा और ज़्यादा डार्क करूँगी। डार्क करने के बाद अब मैं बहुत ही स्लोली और नॉर्मल स्पीड पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं कट क्रीज कर रही हूँ। अपने मैंने आईलैशेस के जो लाइन है वहाँ पर कंसीलर लगा कर अपने आईज़ को ऊपर की तरफ देखा तो मुझे एक आइडिया हो गया कि कहाँ तक मेरा लाइन बनेगा, क्रीज कहाँ तक मुझे ड्रॉ करना है। और फिर स्लोली स्लोली मैं हाफ़ कट क्रीज करूँगी इसको। और अगर आपको एकदम शार्प कट क्रीज चाहिए तो आपको लिक्विड कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी लिक्विड कंसीलर। अगर आप क्रीम कंसीलर यूज़ करेंगे तो इतना ज़्यादा शार्प नहीं होगा। इसके बाद देखिए, सेकंड में मैंने नीचे यहाँ पर कंसीलर अप्लाई किया है और इसके बाद मैं ऊपर की तरफ देखूँगी और ये मुझे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक ड्रॉ करना है। तो मैं वहाँ तक अपने कंसीलर अप्लाई करूँगी और क्रीज को कट कर लूँगी। तो क्रीज अब कट हो चुका है। अब मैं इसको एक नॉर्मल पाउडर की हेल्प से सेट कर ले रही हूँ ताकि वो क्रीज ना करे, फैले ना इधर उधर। आप चाहे तो इस पर डायरेक्टली कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं पहले इसको सेट करूँगी अच्छे तरीके से। और सेट करने के बाद मैं जो आउटर वी पे जो मैंने ब्राउन कलर अप्लाई किया था उसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करूँगी और जो कंसीलर का एक लाइन है उसके साथ ब्लेंड करूँगी ताकि कंसीलर का जो शार्पनेस है वो ना दिखे और वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए, ब्लेंडिंग तौर पे लगे। अब इसके बाद मैंने एक लाइट गोल्डन कलर लिया है, ये एक्चुअली लाइट पिंकिश कलर भी आप कह सकते हैं, और इसको मैं उस प्लेस पे लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। और ये चूँकि एकदम सॉफ्ट लुक है, आप चाहे तो यहाँ पे पीच कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइट गोल्डन कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये रोज़ गोल्ड कलर है। और इसके बाद सेम ब्राउन कलर को मैं अपने वाटर लाइन के लोअर वाटर लाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ और ये एक्चुअली आईलाइनर ब्रश है, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर लाइन के नीचे कलर अप्लाई होता है। अब वाटर लाइन पे मैं बस हाफ़ वाटर लाइन पे काजल ड्रॉ करूँगी, मैं पूरे वाटर लाइन पे नहीं करूँगी, पूरा काजल नहीं लगाऊँगी, जस्ट हाफ़ पे आप जाइए ताकि आपकी आँखें बड़ी दिखे। ऊपर में भी आप हाफ़ लगाइए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर लिया है और अब दोनों आईलैशेस को मिलाकर मैं मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि कोई ऐसा ना लगे कि मैंने अलग से कोई फॉल्स आईलैशेस अप्लाई किया है।
ये तो आई लुक कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये एडिशनल मतलब ये है तरीका है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते, स्टेप है ये। आप मैंने एक ब्राउन कलर नायका का ब्राउन आईलाइनर लिया है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुका था तो ठीक से अप्लाई नहीं हो पाया। यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप अगर आपको नहीं पसंद है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे ब्लैक आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप मेरी दूसरी आई देखिए, वो ज़्यादा इसी तरह अच्छी लग रही है। और मैंने एडिशनली ये स्टेप कर दिया था। तो इसके बाद मैं अपने ब्रोबोन को हाईलाइट कर रही हूँ। ब्रोबोन को मैं एंगुलर जो ब्रश होता है स्मॉल, उससे हाईलाइट करूँगी। और अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को भी मैंने हाईलाइट किया है। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। इसे पहले वाला वीडियो जो है वो मेरा रिवर्स मेकअप वाला था, और इसमें मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट किया है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।